लेकिन जो निष्ठा, जो श्रद्धा छपरौली के लोगों में चौधरी साहब के प्रति थी, जो प्रेम था, वो सचमुच में अंधा था। मैंने कहीं नहीं देखा। मैंने 5 चुनाव लड़े, चौधरी साहब ने खुद मुझे 2 बार चुनाव लड़ाया, 3 बार चौधरी अजीत सिंह जी ने लड़ाया, लेकिन कभी एक पैसा मेरा चुनाव में कभी खर्च नहीं हुआ। छपरौली का आदमी का स्वाभिमान, उसकी सच्चाई, और चौधरी साहब, हमने तो चौधरी साहब को ही कैश किया, हमें कौन जानता था। मैं तो पहले चुनाव में गया 77 में, जीत के अपनी जगह टिकट दिया, तो उनके पैर छुए, तो मुझसे बोले, उनको पता था कि नारायण सिंह तेरे तो मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैंने कहा, जी मुझे तो कोई जानता ही नहीं, वहा ये तो आपका रिकॉर्ड है। मैं चौधरी अजीत सिंह से भी कहता है, वो भी हंसते थे, तो उनका भ्रम में मत रहिएगा, हम चौधरी साहब को कैश करके नहीं बुना रहे हैं, और सचमुच में आज भी बुना रहे। ऐसे अमर व्यक्तित्व, ऐसे विराट व्यक्तित्व कभी कभी जन्म लेते, गर्व होता है। अब मैं वो बात कह रहा हूँ कि एक बात हुई थी, एक बात और मैं शेयर करना चाहूँगा थोड़े टाइम में, भाई का इशारा भी है कि संक्षिप्त में बात करो, चूंकि मेरे यहाँ फुल स्टॉप नहीं चौधरी साहब की बात करने में। पिछले दिनों उनके डॉक्टर जेपी सिंह के बेटे चौधरी साहब के देव थे, वो आए थे मेरा इंटरव्यू लेने, तो मन का मुझे खुली छूट दे दो, तो 4 घंटे लाइव शुरू से उठा लिया मैंने, इतनी घटनाएं मुझे याद है। पर एक घटना आपको सुनाता हूँ, चुनाव जीतने के बाद में मैं टिकट, एक आपको आप और भी बात बताऊँ, मैं उनसे टिकट मांगने नहीं गया, टिकट मांगने के दौरान उनसे मिला ही नहीं, वैसे सारी जिंदगी मिलता रहा, जहाँ जहाँ जिस जिस कोठी में लखनऊ रहे वहाँ मैं जाता रहा हमेशा, शक्ल से भी जानते थे, मेरे पिताजी को भी जानते थे, हमारे घर भी चौधरी साहब एक बार आए थे, लेकिन वो तो छपरौली का तो हर घर उनका घर था, कोई किसी को गर्व करने की कोई बात नहीं है। वो गवर्नर से बात करने की उपेक्षा कर सकते थे, लेकिन छपरौली के लोग वो उनके लिए बात करने में उनके यहाँ कोई जल्दी नहीं रही कभी। ऐसा व्यक्तित्व मैंने देखा कि लोग वेट करते रहते थे आधा आधा घंटा, VIPs कई राज्यों के, लेकिन 12 तुगलक रोड में मैंने देखा, लेकिन चौधरी साहब के पास अगर गांव के कुछ लोग बैठे हैं तो तसल्ली से उनकी बात करते थे, तसल्ली से सब बात सुनते। मुझे बोले, मैं चुनाव के बाद गया उनसे पास, तो जो उनके शैडो थे उन्होंने कहा कि आप, और भी कई लोग थे, कह लिए आप अकेले बुलाए हैं अंदर, चौधरी साहब तैयार हो रहे, पार्लियामेंट जा रहे हैं। मैं अंदर चला गया, तो वहाँ जा करके पहले तो मिठाई मंगवाई मेरे लिए, कैसा है जी, बस चले आए ऐसे मिलने, आ गए और लोग भी हैं, बोले मैं उनसे मिल लूँगा चलते दफ़े। फिर बोले मुझसे, मैं एकदम बोले कि देखो तुम मेरी जगह MLA बने हो, तुम छपरौली से MLA हो। मन का जी, ये तो मेरा सौभाग्य है, मैं तो कभी स्वप्न में भी नहीं देखा था, ये तो मेरी कोई एम्बिशन ही नहीं थी। मुझसे कहने लगे, देखो तुम प्रोटोकॉल जानते हो क्या होता है उसका। अब वैसे तो मैं अंग्रेजी में MA हूँ, लेकिन उनके सामने जवाबदार जवाब थोड़ा ही, मैं चुप ही रहता था अपने आप ही। बोले देखो, चीफ सेक्रेटरी से ऊपर है तुम्हारा प्रोटोकॉल, चीफ सेक्रेटरी, तुम चीफ सेक्रेटरी से मिलने जाओगे तो खड़ा होगा, तुम्हें काम हो जाएगा, सबसे कोई भी काम होगा सब काम छोड़ देगा, पहले आपका काम सुनेगा और फिर आपको छोड़, वो क्या करेगा, वो तुम्हारा काम नहीं है, वो तुम्हारे जरूरी नहीं, तुम्हारे फेवर में ही वो रिजल्ट हो। और किसी भी लोगों से तुम चाहते हैं कि लोग थानों में चले जाते हैं, MLA तहसीलों में घूमते रहते हैं, किसी भी अफसर के घर चले जाते हैं, किसी के घर मत जाओ, कलेक्टर से बात करो, अगर कलेक्टर संबंधित काम है उनसे टाइम अपॉइंट करो, उस टाइम पर जाओ तब उनसे बात करो। किसी भी डिपार्टमेंट के अगर पुलिस का मैटर है तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से फ़ोन पर बात करो, और मिलना ज़रूरी है, बहुत सारे काम है, मिलना ज़रूरी है, तो उनसे टाइम लेकर के अपॉइंट करो। इतना गर्व मेरा बढ़ा, मुझे कुछ गालियां भी मिली छपरौली में, कहता तहसील में नहीं जाता, दरोगा से कुछ नहीं कहता, ये तो बेकार। फिर बाद में राजे भी हो गए, मैं किसी की बुराई नहीं की उनके सामने, ऐसा गुण था कि उसमें गालियां भी कुछ दिनों मिली कि ये कैसा आदमी आ गया, अद्भुत। फिर बोले तो देखो तुम विधायक हो, अगर तुम्हारी वजह से तुम्हारे किसी परिवार के लोगों को, तुम्हारे रिश्तेदार को, तुम्हारी पार्टी के सदस्यों को,
तुम्हारे मित्रों को कोई 1 रुपए का भी आर्थिक लाभ तुम्हारे एमएलए होने से होता है, तो ये डिसऑनेस्टी है, ये बेईमानी है। ऐसी गड़ गई मेरी बात, मैंने आते डायरी में सारी बातें लिखी और फिर बोले विधायक का काम ये नहीं है कि ट्रांसफर पोस्टिंग में रोज इधर से उधर भगा फिरे लोगों का, लोगों को खुश करने के लिए। इसका कोई एंड नहीं है। तुमने सोचा कभी, तुम्हें पता है कि यहाँ पंचायती राज सिस्टम जो है, न्याय प्रणाली, पंचायत न्याय प्रणाली शुरू हुई थी 1950-52 में, वो कहाँ क्यों खत्म होगी, कहाँ चली गई? लोग रुकते हैं कोर्ट्स में जा करके, जो वकीलों को फीस देते हैं, कभी सोचा उन्होंने? आप लोगों की भलाई के लिए सोचो, उन्हीं के लिए काम करो, उन्हीं के लिए जियो। अगर आप अपनी जनता से प्रेम करोगे तो आप सही रिप्रेजेंटेटिव हो उसके, अन्यथा ये फिर चोरी है, ये चलने वाला नहीं है। अब मैं आपसे क्या बताऊं, अब ये बातें सब ऐसी हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि कभी गलती, अब मैं तो वकील भी था, वकील तो झूठ तूफान दुनिया भर के अदालत में बोलता है, ऐसे ढंग से प्रभाव इतना था उनकी बात, उनकी वाणी में इतना तेज था, गौर रंग तो था, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती थी लोगों की बात करने की सीधे। बहुत उनके अंदर ऐसा ऐसा उनका कहना चाहिए कि उनका एक ओजस्वी उनका चेहरा था, और इतनी गंभीरता उनके अंदर थी, बेहद प्रेम था, बाहर कोई पैर नहीं छू सकता था, दूर हटते थे आर्य समाज जी, और मैं अकेले में पैर छूता था दोनों हाथों से आशीर्वाद, इतना आनंद है, मैं तलाश में रहता था कभी ऐसा मौका मिले। अकेले अकेले नहीं होते तो नहीं करते थे, मैं दूर से याद करते हो नहीं रोक देते। उनका स्नेह कुछ मत पूछिए। और गांव के लोगों से, पब्लिक से, बिहार से एक बार आए हम लोग बैठे हुए थे, आंसू आगे कहले, मैंने ऐसी गुर्बत देखी एक घर में, मैंने कहा उसके यहाँ भोजन किया, मैं जान के कहा एक वर्कर था बिहार में कि मैं तेरे यहाँ भोजन करूँगा, तो मैं बहुत चक्का हो गया, बोला जैसा भी होगा, वैसे मैं तो आ रहा हूँ अभी टाइम है, तो मैं गया, बोला तुम अपनी पत्नी को भी बुलाओ, तो वो शर्माया कि नहीं है, वो नहीं आई, तो पूछा मैंने कि क्यों, क्या बात है, क्यों कुछ और पर्दा करती है मुझसे, मैं तो उसका बाप हूँ। बोला नहीं चौधरी साहब, वो एक धोती थी, वही आज धोई थी, वो सूखी नहीं, अभी एक ही धोती है, वो तो एक बहुत ही ऐसे साधारण कपड़े में खाना पसंद बनाया। रो उनकी आंखों में आंसू थे, रोने लगे, ये हालत है मेरे देश की। और इसी कारण से जब जब भाषण देते थे कि जवाहरलाल नेहरू मेरे नेता हैं, देश के बड़े नेता हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन उनकी आर्थिक नीति ने देश को चौपट कर दिया। कॉपरेटिव फार्मिंग में जिन लोगों ने जवाहरलाल नेहरू के दर्शन नहीं किए, वो समझ ही नहीं सकते इस बात को, मैंने किए और एक बार भी कई बार किए। हिम्मत नहीं होती थी बड़े बड़े नेताओं की, नेहरू के सामने उसका जलाल इतना बड़ा था, उसमें सचमुच वो इसके योग्य भी थे, वो बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और एक प्रकार से कहने चाहिए महापुरुष थे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सब कोई जानते हैं नागपुर में क्या हुआ 1959 में, 1 घंटे तक खुद ज्ञानी जैल सिंह जो हमारे राष्ट्रपति थे उनके मुंह से मैंने सुना कि मैं डेलीगेट था, लोग क्लैपिंग करते रहे चौधरी साहब के भाषण पर, लेकिन राय किसकी हिम्मत थी कि नेहरू जी के खिलाफ, नेहरू जी ने प्रस्ताव रखा था, ये इन्होंने उसके विरोध में बोले, चौधरी चरण सिंह पहले से टाइम ले रखा था, हालांकि वोट उनको 6 या 8 वोट मिले चौधरी साहब को, वोट तो सब नेहरू जी को ही मिले, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो सकी कॉपरेटिव फार्मिंग, स्टेट फार्मिंग को लागू करने के लिए। ये व्यक्तित्व था तो चौधरी चरण सिंह का। मैं बात कह रहा था अवसर की, एक